फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि मार्पोल डिस्चार्ज क्राइटेरिया एंड देन इज ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट वन पार्ट टू एंट्रीज एंड ऑल दिस। तो इसमें जो सबसे पहला है दैट इज कि अपना मार्पोल डिस्चार्ज क्राइटेरिया। तो मार्पोल डिस्चार्ज क्राइटेरिया में नंबर वन ये वाला है, कंट्रोल ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑयल फ्रॉम मशीनरी स्पेसेस है। मशीनरी स्पेसेस में क्या है कि फॉर वेसल्स 400 GT एंड अबव, 400 और 400 के ऊपर, और डिस्चार्ज आउटसाइड स्पेशल एरिया। सबसे पहले बोला शिप शुड बी अनरूटेड, अनरूट चले, देन ऑयल मिक्सचर इज थ्रू ऑयल फिल्टरिंग इक्विपमेंट, मतलब ऑयली वाटर सेपरेटर से पास करे, ये अनरूट रहे और उसके बाद 15 PPM से कम रहे, और नॉट इट शुड नॉट बी मिक्स्ड विथ द बिल्जेस ऑफ द कार्गो पंप रूम एज वेल एज विद द कार्गो। तो इसमें क्या क्या आ गया कि शिप जो सबसे पहले तो आ गया शिप एनरूटेड रहे, फिर ऑयल जो है वो ऑयल फिल्टरिंग इक्विपमेंट दैट इज ऑयली वाटर सेपरेटर से पास हो 15 PPM का अलार्म, फिर ऑयल जो मिक्सचर है वो बिल्जेस ऑफ द पंप रूम से ना मिक्स हो और वो कार्गो से मिक्स ना हो। तो ये स्पेशल एरिया में था। आउटसाइड स्पेशल एरिया जो है, सॉरी आउटसाइड स्पेशल एरिया था ये, इसमें इस फॉर आउटसाइड स्पेशल एरिया। उसके बाद स्पेशल एरिया में सेम, इट विल बी सेम, और अंटार्कटिक जो एरिया है ये जो अपना स्पेशल एरिया है उसमें इंक्लूड होता है। सो वी कैन नॉट डिस्चार्ज दी ऑयल। नाउ कम्स फॉर दी NX2। तो NX2 में क्या है, और इसका जो NX2 नहीं, NX1 में ही बता देता हूँ, NX1 में उसका भी है कार्गो का। तो ये है रेगुलेशन नंबर 15 जो कि पहले था, कंट्रोल ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑयल फ्रॉम मशीनरी स्पेसेस, ये 15 है। देन वी विल कम टू रेगुलेशन नंबर इज 34, 34, यस, कंट्रोल ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑयल, और ये जो है फ्रॉम कार्गो स्पेसेस है। तो कार्गो स्पेसेस में क्या है, डिस्चार्ज आउटसाइड स्पेशल एरिया, स्पेशल एरिया के बाहर, क्योंकि स्पेशल एरिया में इट इज़ नॉट अलाउड, और इसके जो स्पेशल एरिया वो 10 के 10 दिए हुए हैं। द शिप इज नॉट इन अ स्पेशल एरिया, पहली चीज़, द शिप शुड बी 50 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड, शिप शुड बी एनरूटेड। उसके बाद रेट ऑफ जो डिस्चार्ज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिस्चार्ज वो 30 लीटर पर नॉटिकल माइल का से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 लीटर पर नॉटिकल माइल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। टोटल क्वांटिटी जो है ऑयल डिस्चार्ज जो है इनटू सी 1/30,000, ये किसके लिए, न्यू बिल्ड शिप के लिए है, इसमें लिखा नहीं हुआ है। तो 1/30,000 जो है वो न्यू बिल्ड शिप के लिए, जो कि 31 दिसंबर 1979 के बाद बनी हुई है, और इससे पहले जो बनी हुई है उनके लिए 1/15,000 है। और क्या, द शिप हैज़ जो है वो ODMCS ऑपरेटिव होना चाहिए। तो पहला हो गया कि शिप जो है वो अपनी स्पेशल एरिया में ना हो, 50 नॉटिकल माइल्स अवे हो, एनरूटेड हो, और जो डिस्चार्ज रेट है वो 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और न्यू शिप्स के लिए 1/30,000 और पुरानी शिप के लिए 1/15,000। जो पुराना और नया है वो 31 दिसंबर 1979 डिसाइड करता है, अगर उसके आफ्टर हुआ तो नया, बिफोर हुआ तो पुराना, और जो शिप है उसके ऊपर ODMCS होना चाहिए। और ORB की रिक्वायरमेंट स्पेशल एरियाज, स्पेशल एरियाज जो है वो नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन वाटर्स, मेडिटेरियन, बाल्टिक, ब्लैक, रेड गल्फ, गल्फ ऑफ एडन, ओमान एरिया, साउथ साउथ ऑफ अफ्रीका, अंटार्कटिक, दिस इज स्पेशल एरियाज। NX2 का डिस्चार्ज क्राइटेरिया रेगुलेशन 13, ये 13, डिस्चार्ज ऑफ रेसिड्यू ऑफ नॉक्सियस लिक्विड, शिप शुड बी एनरूटेड, मैक्सिमम स्पीड 7 नॉट्स विथ सेल्फ प्रोपेलिंग, मतलब अगर प्रोपेलर लगा हुआ है और सेल्फ प्रोपेलिंग है तब 7 नॉट्स, नहीं तो अगर हाथ से ओर्स हैं या चप्पू से चला रहे हैं तो 4 नॉट्स। और क्या, डिस्चार्ज बिलो, या विंड से भी चल रहा है तो भी, डिस्चार्ज बिलो वाटर लाइन 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड एंड 25 मीटर ऑफ दैट। तो इसको किस तरीके से याद करना है कि सबसे पहले तो वो एनरूटेड हो, 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम लैंड हो, 25 मीटर डेप्थ हो, ठीक है, और पानी के नीचे जब ये एनरूटेड थी, सॉरी ये एनरूटेड हो तो 7 नॉट से या 4 नॉट से एनरूटेड हो, और फिर 12 नॉटिकल माइल अवे, 25 मीटर की डेप्थ, और जो डिस्चार्ज हो वो बिलो वाटर लाइन हो, ये है बस।
अंटार्कटिका क्या है कि स्पेशल एरिया जो साउथ 60 डिग्री है। फिर NX6 NX6 NX4 NX2 3 में तो कुछ नहीं, 4 में जो है ये है कि कम्यूटेड एंड डस इन्फेक्टेंट सीवेज यूजिंग सिस्टम। तो इसमें क्या, अगर कम्यूटेड है और डिसइन्फेक्टेंट है तो मोर देन 3 नॉटिकल माइल फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एंकरेज में तुम डिस्चार्ज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं भाई, आसान सी भाषा में नहीं कर सकते। नियरेस्ट लैंड इसने बोला हुआ है 3 नॉटिकल माइल, तो नियरेस्ट लैंड जो है वो डिफाइंड है NX4 में कि क्या है नियरेस्ट लैंड, वो डिफाइंड है तो नहीं कर सकते हैं। ओके, एट द एंकरेजेस, अगर एंकरेजेस उस डिफाइंड लैंड से 3 नॉटिकल माइल से ज़्यादा है तो कर सकते हैं, मगर जनरली कोई भी एंकरेज 3 नॉटिकल माइल्स और ये सब नहीं है तो जनरली डिस्चार्ज नहीं कर सकते, वो इंटरनल वाटर्स ही आ जाते हैं। नॉट कम्यूटेड और डिसइनफेक्टेंट है तो 12 नॉटिकल माइल्स है, ये भी उसमें डिफाइंड है। तो ये 12 नॉटिकल माइल्स का है, नॉट लेस देन 4 नॉट्स, और जो रेट होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा। बस इतना याद करना है, 12 नॉटिकल माइल्स, 4 नॉट्स स्पीड, और जो रेट है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा। बाकी तो ये सब ऐसे ही लिखा हुआ है। NX5 का ये रहा, NX5 रेगुलेशन नंबर 6 का ये डिस्चार्ज क्राइटेरिया। तो डिस्चार्ज क्राइटेरिया इसका कैसे याद करना, ये थोड़ा सा ऊपर से ये वाला रटना पड़ेगा। टाइप ऑफ गार्बेज शिप आउटसाइड स्पेशल एरिया, शिप विद इन स्पेशल एरिया और ऑफशोर प्लेटफॉर्म मोर देन 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द लैंड एंड ऑल द शिप्स विद इन 500 मीटर्स ऑफ सच प्लेटफॉर्म, तो ये रटना पड़ेगा थोड़ा। इसमें क्या है, फूड वेस्ट कम्यूटेड और ग्राउंडेड, फूड वेस्ट को कम्यूट कर दिया तो डिस्चार्ज 3 नॉटिकल माइल, ये आउटसाइड स्पेशल एरिया, ये इन स्पेशल एरिया। तो स्पेशल एरिया में दूर फेंकना है हमें, तो स्पेशल एरिया में जनरली कुछ नहीं फेंक सकते तो हमें दूर फेंकना है, तो 12 नॉटिकल माइल्स इसमें परमिटेड है और इसमें जो है वो 3 नॉटिकल माइल्स का ही बस दे दिया। अगर फूड वेस्ट विच इज़ नॉट कम्यूटेड, मतलब जो कि कम्यूटेड नहीं होगा या ग्राउंडेड नहीं होगा, तो आउटसाइड स्पेशल एरिया तो 12 नॉटिकल माइल डिस्चार्ज कर सकते हैं, बट इन स्पेशल एरिया हम डिस्चार्ज ही नहीं कर सकते और इधर भी डिस्चार्ज नहीं कर सकते। तो जनरली जो ये वाली लाइन है ये पूरी सबके लिए प्रोहिबिट हो जाती है एक्सेप्ट फॉर द कम्यूटेड फूड वेस्ट। और उसके बाद है कार्गो रेसिड्यू नॉट कंटेंड इन वॉश वाटर, ये इसका मतलब असल में ये है कि कार्गो मान लेते हैं जनरल बल्क कैरियर है, हमने कोई कार्गो लोड किया था, उसके बाद सारा कार्गो जो है हमने निकाल लिया पूरी तरीके से डिस्चार्ज वस्चार्ज कर दिया, अब उसमें झाड़ू लगा रहे हैं, तो जो झाड़ू है झाड़ू लग करके ये है वो कार्गो रेसिड्यू। 1 का मतलब है विच इज़ नॉट हार्मफुल टू मरीन इन्वायरमेंट, नॉट कंटेंड इन वॉश वाटर, तो वॉश वाटर का मतलब ये है सिर्फ झाड़ू लगाया हुआ है, तो झाड़ू लगाया हुआ है तो 12 नॉटिकल माइल इधर इसमें स्पेशल एरिया में नहीं डाल सकते हम, झाड़ू लगा के फेंक नहीं सकते हम स्पेशल एरिया में, और डिस्चार्ज प्रोहिबिटेड। फिर क्या, कार्गो रेसिड्यू कंटेन्ड इन वॉश वाटर, अब कार्गो रेसिड्यू जो है ना हमने पानी में मिला दिया, 1 का मतलब यहाँ पे वही है कि विच इज़ नॉट हार्मफुल टू मरीन इन्वायरमेंट, कंटेन इन वॉश वाटर, तो वॉश वाटर में तो 12 नॉटिकल माइल इधर और इधर भी अपना 12 नॉटिकल माइल आ गया। नाउ नेक्स्ट क्या है कि क्लीनिंग एजेंट एंड एडिटिव्स कंटेन्ड इन कार्गो होल्ड वॉश वाटर, इसका मतलब तो यहाँ पे झाड़ू लगाया था और ये जो है ना ये पानी डाल के साफ कर दिया, तो पानी डाल के साफ कर दिया तो स्पेशल एरिया में डाल सकते हैं क्योंकि अब नहीं जाएगा कहीं और तो डालना ही पड़ेगा। तो 12 नॉटिकल माइल्स, ये डिस्चार्ज परमिटर ग्रेटर देन 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड और वेसल जो है वो एनरूटेड रहे, तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। तो और इसमें क्या, क्लीनिंग एजेंट्स एंड एडिटिव्स कंटेंड इन कार्गो होल्ड वॉश वाटर, तो जो कार्गो होल्ड है उसको अपना क्लीनिंग एजेंट मतलब सर्फ डाल गया कुछ और डाल करके हम वॉश कर रहे हैं, जो भी हो वो क्लीनिंग एजेंट, मुझे नहीं पता बस एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे नॉर्मली घर पे कहते हैं लोग। तो क्लीनिंग एजेंट एंड एडिटिव्स के लिए क्या है कि जिसमें एडिटिव्स या क्लीनिंग एजेंट अगर कार्गो होल्ड में डाल दिया और उसके बाद उसे वॉश किया हमने ठीक से तो डिस्चार्ज इसमें परमिटेड है और स्पेशल एरिया में 12 नॉटिकल माइल्स चाहिए। फिर क्लीनिंग एजेंट एंड एडिटिव्स इन डेक एंड एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द होता, यहाँ तक तो हमने अभी तक कार्गो होल्ड ही पूरा ऊपर से कार्गो होल्ड ही साफ कर रहे थे, पहले सिर्फ झाड़ू लगा दिया फिर पानी से धो दिया फिर अपना कार्गो रेसिड्यू वॉश्ड इन वाटर, ये रहा हाँ करेक्ट, फिर
उसके बाद क्लीनिंग एजेंट से धो दिया हमने। फिर उसके बाद अब आया कि डेक पे, डेक पे हम लोगों ने एक्सटर्नल सर्फेसिस को जो है वो क्लीनिंग एजेंट से डाला, तो इसमें भी परमिटेड है, इसमें भी परमिटेड है। फिर क्या है, कारकेसेस ऑफ एनिमल कैरिड ऑन बोर्ड एज कार्गो एंड विच डाइड ड्यूरिंग द वॉयज। तो जो एनिमल कैरकेसेस है वो आउटसाइड स्पेशल एरिया तो परमिटेड है, इनसाइड स्पेशल एरिया नॉट परमिटेड। ये स्पेशल एरिया का कॉलम है तो ये नॉट परमिटेड है। नेक्स्ट इज ऑल अदर गार्बेजेस इंक्लूडिंग प्लास्टिक, सिंथेटिक रोप, फिशिंग गियर, प्लास्टिक इंसिनरेटर, एशेस, कुकिंग ऑयल, फ्लोटिंग डनेजेस, फिर लीनिंग एंड पैकिंग मटेरियल, पैकेज रैग्स, मेटल, दादा दादा, दे आर नॉट, दे ऑल आर प्रोहिबिटेड, दे आर नॉट अलाउड। इसमें कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, डनेजेस तुम फेंक सकते हो कि नहीं, डनेज कार्गो का डनेज है तुम फेंक सकते हो कि नहीं, नो 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 वी कैन नॉट। फिर लाइनिंग और पैकिंग मटेरियल भी पूछा जाता है कि वी कैन थ्रो और नॉट, सो द आंसर इज एग्जैक्टली पता ही है सबको, नो। मिक्स गार्बेज हो गया तो मोस्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा। अगर कहीं पूछा जाता है, आई डोंट रिमेम्बर हु हैज आस्क्ड समबडी, बट जो भी पूछा जाता है तो इट इज मोस्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन। उसमें लिखा हुआ है कहीं वन लिखा हुआ था, तो दीज सब्सटेंसेज मस्ट नॉट बी हार्मफुल टू मरीन इन्वायरमेंट, ये लिखा हुआ है। फिर टू में जो लिखा हुआ है कहीं कहीं पॉइंट ऑफ में, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन नंबर्स 6.1.2 ऑफ द मार्पोल एनेक्स 5 डिस्चार्ज इज अलाउड। तो ये मतलब ऐसे ही थोड़ा सा बस पढ़ लेना, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे वन या टू लिखा हुआ है जैसे वो एक्सप्लेनिंग, जैसे यहाँ पे टू एडिशनल कंडीशन, यहाँ पे टू लिखा हुआ है तो इट इज़ नॉट सो मच ऑफ। फिर NX5 हो गया, NX6 में नॉक्स और सॉक्स में, तो ये जो नॉक्स है ये रेगुलेशन 13 में है, 1 जनवरी, ये 1 जनवरी 2016 है, तो ये वाला हमें रटना है, टीयर थर्ड वाला, कि जो एन है अगर आरपीएम जो है वो 130 से कम है तो 3.4 इसमें है ग्राम्स पर किलो वॉट आवर, ये यहाँ पे ग्राम्स लिखा है ना, ग्राम्स किलो वॉट आवर, यही लिखा है कि 3.4 ग्राम जो है वो 1 किलो वॉट के जनरेशन में प्रोड्यूस होना चाहिए नॉक्स, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें 9 किलो वॉट्स, इसमें 132 1999 तक दे दिया है कि बिटवीन दिस इट शुड बी 9 ग्राम्स पर किलो वोल्ट, और ये जो है ये 2000 एंड अबव के लिए दिया हुआ है कि 2 ग्राम्स पर किलो वोल्ट आवर। तो ये वाला हो गया अपना। सॉक्स का जो अभी चल रहा है दैट इज दिस वन 3.5, और 1 जनवरी 2020 से 0.5 वाला चल जाएगा। स्पेशल एरिया में ये दिया हुआ है, इसका जो है एका एरिया में, इन दी एका एरिया में क्या होगा, नॉक्स और सॉक्स दोनों का पोल्यूशन जो है वो रोकना है, तो नॉक्स जो है वो ये जो लिमिटेड हैं ये तो लिमिट्स जनरली लाए हुए हैं, तो नॉक्स और सॉक्स दोनों नहीं होना चाहिए, तो उसमें 1% का फॉर द टाइम बीइंग ये रहा, इधर लिखा भी हुआ है, यस विद इन सेका एरिया लिखा, बट इट इज एका एरिया। 0.1% mm ऑन और आफ्टर जनवरी 2015 लिखा हुआ है, तो 0.1 अभी का है चल रहा कि 0.1 से ज़्यादा जो है सल्फर का कंटेंट नहीं होना चाहिए, 0.1% से ज़्यादा ये सल्फर का कंटेंट नहीं होना चाहिए, और नॉक्स जो है वो अकॉर्डिंगली इसके हमें रोकना है। तो एका एरिया में ना हम नॉक्स डाल सकते हैं ना हम सॉक्स, तो एका एरिया इंक्लूड्स बोथ ऑफ द, तो NX6 हो गया। तो इसके जो स्पेशल एरिया है वो यही है, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी। फिर इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा मतलब नॉर्थ अमेरिकन एरिया और यूनाइटेड स्टेट्स कैरेबियन सीज लिख दे रखा है, तो नॉर्थ अमेरिकन एरिया जो है, नॉर्थ अमेरिकन एरिया में अपना आ जाएगा कि पैसिफिक कोस्ट जो है वो कनाडा का, यूएसए का, फिर अटलांटिक कोस्ट जो है वो यूएसए, अटलांटिक कोस्ट जो है वो यूएसए का और कनाडा का, फिर वो फ्रांस तक चला जाता है, फिर नॉर्थ अमेरिकन जो वाटर्स है वो करेबियन सी के, गल्फ ऑफ मैक्सिको के, और उसमें फिर वर्जिन आइलैंड्स हो गए, वर्जिन आइलैंड्स हैं, प्यूर्टो रिको हो गया, और ऑफ कोस्ट ऑफ हवाईयन आइलैंड्स जो हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, दिस ऑल विल इंक्लूड इन दिस वन। फिर जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलार कोड का,
कि पोलार कोड कैसे रट ले। पोलार कोड को रटना तो आसानी है। पोलार कोड में जो जनरली है, वी शुड नो दैट इफ वी आर हैविंग अ पोलार वेसल, तो पोलार वाटर ऑपरेशनल मैनुअल चाहिए ही चाहिए। ये पोलार वाटर ऑपरेशन मैनुअल ये पक्का चाहिए चाहिए, तो ये वाला बोलना है। और ये सर्टिफिकेट का नाम बताना है। पोलारशिप सेफ्टी सर्टिफिकेट, नेम इज पोलारशिप सेफ्टी सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट एंड सर्विस, तो ये वाला आ जाएगा। पोलारशिप सेफ्टी ये भी दिखा दूंगा मैं अभी। तो पहले ये देख लेते हैं कि हाउ वी हैव टू रट्टा फॉर दिस वन। तो सबसे पहले तो नॉर्मल है, कितने पार्ट्स हैं इसमें? पार्ट वन है उसका ए है। उसमें कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर हैं, सॉरी ये 12 चैप्टर है। फिर पार्ट वन का बी आसान, फिर पार्ट टू का ए, और फिर पार्ट टू का बी। पार्ट वन के ए को कैसे याद करना है? पार्ट वन जो है उसमें है जनरल, सबसे पहले तो जनरल सब में होता है जनरल, देन पोलार वाटर ऑपरेशनल मैनुअल हमें दे दो। तो जनरल दे दो, फिर पोलार वाटर ऑपरेशनल मैनुअल दे दिया। फिर उसके बाद सबसे पहले शिप बनाने में शिप का स्ट्रक्चर चाहिए, तो शिप स्ट्रक्चर सबसे पहले। फिर सब डिवीजन होगा, तो सब डिवीजन के साथ स्टेबिलिटी आ जाती है हमारे पास, तो सब डिवीजन और स्टेबिलिटी। फिर वाटर टाइट एंड वेदर टाइट इंटीग्रिटी बना दी हमने। सब डिवीजन जो है वो किस तरीके से, वाटर टाइट और इंटीग्रिटी, और वाटर टाइट और वेटर टाइट इंटीग्रिटी से बना देंगे। जब ये हमारे पास बन गया, शिप का स्ट्रक्चर बाहर का बन गया, सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया, और उसके वजह से हमारे पास, क्योंकि अब कुछ हो सकता है कुछ डिवीजन्स में से हमें काट के बनाना पड़े, जिससे कि हमें दूसरे होल्ड में या कहीं और जाना पड़े, तो वाटर टाइट एंड वेदर टाइट अपनी इंटीग्रिटी हम देख लेंगे वहाँ। इट्स गुड ना, उसके ऊपर मशीन डाल देंगे। अब मशीन डालते ही ना हमें डर लग जाता है कि फायर हो जाएगा, तो फायर, अब आग लग गई, अगर कंट्रोल में नहीं हुई तो एल एस एफ एफ ए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो हमने अपना बचाव कर लिया। अब हम लोग सेफ नेविगेशन कैसे करेंगे? तो इसमें बताया गया कि हाँ भाई, हमने यहाँ तक अपने आप को बचा लिया, फिर सेफली नेविगेट करेंगे हम लोग। सेफ्टी ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। उसके बाद क्या है, जब नेविगेट करेंगे तो वी नीड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, तो कम्युनिकेशन हो गया। देन वॉयज प्लानिंग हो गई, नेविगेट करोगे कम्युनिकेट तो करोगे, मगर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कहाँ गया, तो वो वॉइस प्लानिंग है, वो वॉइस प्लानिंग डाल दिया। फिर हम सबको ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ती है हर चीज़ के लिए, तो मैनिंग एंड ट्रेनिंग, तो ये वाला है। और जो पार्ट वन का बी है वो क्या है, एडिशनल गाइडेंस रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ इंट्रोडक्शन एंड पार्ट वन। तो ये कुछ नहीं है, पार्ट वन भी कुछ नहीं है, एडिशनल गाइडलाइंस फॉर पार्ट वन है, ऐसे ही है, बस इतना याद करना है। एडिशनल गाइडलाइंस फॉर पार्ट वन ए, इतना आया बस। अब पार्ट टू ए में आ जाते हैं। पार्ट टू ए जो है दैट इज पॉल्यूशन प्रिवेंशन मेजर्स। तो पॉल्यूशन प्रिवेंशन मेजर्स में क्या, चैप्टर वन। तो चैप्टर वन में क्या, पॉल्यूशन ऑफ प्रिवेंशन बाय ऑयल, ऑयल से, जैसे नेक्स्ट वन में ऑयल, फिर टू नॉक्सियस लिक्विड, थ्री जो है वो है बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस कैरीड एट सी इन पैक फॉर्म, मतलब वही कंटेनर्स। फोर जो है वो सीवेज है, फाइव जो है वो गार्बेज है। अब पार्ट टू बी क्या था, पार्ट टू बी एडिशनल गाइडलाइंस टू पार्ट टू ए, तो टू बी में क्या, एडिशनल गाइडलाइंस फॉर पार्ट टू ए, बस इतना ही है। ये पोलर वोटर और कुछ नहीं।